पेंशन देना होगा, देना होगा, देना होगा। शासित मानदेय देना होगा, देना होगा, देना होगा। रसोइया को कोरोना भत्ता देना होगा, देना होगा। अरे भाजपा के विधायक कुछ भी बोलेंगे, अभी भाजपा के विधायक लोग कल देखेंगे अबीर लगा के सदन के अंदर, लोकतंत्र का मंदिर है। अरे जीत तो बाहर मनाओगे ना, इस तरह भाजपा क्या कहता है उस पर जवाब नहीं देना है। हार जीत लगी रहती है। आप भारतीय जनता पार्टी को याद करना चाहिए, एक समय उनका 2 सीट पूरे देश में होता था, वह भी दिन था। आज आप जनता को जाति धर्म के नाम पर गुमराह करके आप वोट लेके जीत रहे हैं, इसलिए यह बोलना उचित नहीं है। किसी को देना चाहिए, हार जीत लगा रहता है। पार्टी आलाकमान से मांग करेंगे कि एमएलसी उनका रिन्यूअल ना हो। वो तो वो जाने क्या कर रहा हूँ, उनके एनडीए का मामला, इसमें कांग्रेस से कुछ बोलना नहीं है। लेकिन हार जीत लोकतंत्र में होता है। जनता पर सर क्या कहेंगे, काफी लॉस कांग्रेस को हो रही है, यूपी में क्या बोल रहे हैं? बहुत दुख है हम लोग को कि बहुत ही स्थिति अच्छी नहीं रही जो उम्मीद थी। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी चूंकि जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैला के जनता को गुमराह करके वोट ले रही है, लेकिन ये अधिक दिन नहीं चलेगा। हम लोग को मेहनत करनी होगी, जनता को समझाना होगा। कांग्रेस 1947 से भारतवर्ष से आज़ाद कराने से लेके आज तक जो विकास किया कांग्रेस की है, इसलिए हम लोग ताकत लगाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे। पंजाब के हार के बाद क्या लगता है, समीक्षा की जरूरत है कांग्रेस में? सिद्धू ने तो रिजाइन भी कर दिया है, आप देखे होंगे। निश्चित तौर पर वहाँ गलतियाँ हुई हैं, निश्चित हम लोग उस पर चिंतन करके कांग्रेस पार्टी उसको फिर से रिवाइव करेगी और पूरा देश की जनता के साथ कांग्रेस है उनके विकास के लिए। नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होना है। हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी नेता हैं और जनता इनको मान चुकी है। पार्लियामेंट में भी आप स्पीच सुनेंगे उनका, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से ज़्यादा अच्छा स्पीच था, इसलिए यह कहना गलत है। वो तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही गुमराह कर। बिहार में क्या असर दिखेगा अजीत शर्मा जी, बिहार में क्या असर दिखेगा? एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार साथ में है, बिहार में क्या दिखेगा सर? ये तो माननीय मुख्यमंत्री से पूछिए। लेकिन निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो उनका मनोबल बहुत बड़ा होगा। निश्चित तौर पर बिहार में भी सोचेंगे कि अकेले चुनाव लड़े। हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में कांग्रेस वो चुनाव लड़ती है, यहाँ भी अकेले चुनाव कांग्रेस से लड़े। भाजपा लगातार कह रही है कांग्रेस जेडीयू लड़े अकेले या फिर बीजेपी लड़े, कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगा आने वाले। ये कोई इशू नहीं है, कभी भी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है देश में कि मुक्त भारत हो। जनता किसको रखना है नहीं रखना जनता तय करती है, कोई पार्टी तय नहीं करती है। आज वो जीत गए तो बड़ी ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, जिसमें उनको 2 सीट था पूरे देश में, उससे ऊंची बात नहीं करते थे। ये जाति धर्म के नाम पर उन्माद फैला के वोट लिए हैं, जनता को गुमराह किए हैं। बेरोजगारी देखिए क्या चरम सीमा पर है, इसके जनता सब समझ रही है। इस बार दे दिया वोट, लेकिन अगले 2024 में कांग्रेस को वोट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।